वहीं मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय के रेटिना सर्जन और मोतीलाल नेहरू प्रयागराज के सहायक प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने दावा किया है कि ग्लूकोमा के मरीजों के रेटिना का इलाज बिना इंजेक्शन के संभव है। इस तकनीक के जरिए मरीजों की आंखों की रोशनी भी बचाई जा सकती है। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने अपने शोध पत्र अमेरिकन एकेडमी ऑफ थैलेमोलॉजी कैलिफोर्निया में प्रस्तुत किया। विनोद कुमार सिंह ने यह शोध एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी 2015 चाइना में, फिर जापान में 2017 में और अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ थैलेमोलॉजी में भारत की ओर से उत्तर प्रदेश एकमात्र डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया है। रेटिना सर्जन डॉक्टर विनोद के शोध पत्र और संबोधन दोनों ही स्वीकार कर लिया गया है। प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और अभी हमने जो एक अपना रिसर्च पेपर अमेरिकन एकेडमी ऑफ थैलेमोलॉजी है, जो कि एक वर्ल्ड की सबसे रिनाउंड एकेडमी है, वहाँ पे पेपर एक्सेप्ट होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है और क्वालिटी चेक होते हैं और वो देखते हैं कि आपकी रिसर्च जो है कितना अथेंटिक है, उसके बाद ही चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। और ये लकी जो है हम लोगों ने मेहनत किया यहाँ पे प्रयागराज में और रिसर्च हमारा वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ और नवंबर में हम लोगों ने वहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली हम लोग का रिसर्च ये था उसमें कि जैसे ओसीटी होती है किसी भी शरीर के हिस्से में, सर का होता है, पैर का होता है, पेट का होता है, वैसे आँख का भी ओसीटी होता है। और एक एंजियोग्राफी होती है, जैसे हार्ट में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं देखने की कौन सी वेसल जो है, खून की नली आपकी ब्लॉक है या सिकुड़ गई है किस एरिया में, उसी तरह आँख के पर्दे में जो खून की नसें होती हैं उनको हम लोग ओसीटी एनजीओ से देखते हैं कि कितनी फंक्शनिंग है, कितना ब्लॉकेज है, कितना नॉर्मल है। और इसकी सबसे अच्छी बात है इस टेक्नोलॉजी की, इसमें हमें कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, डाई नहीं डालना पड़ता है। नहीं, नॉर्मली एंजियोग्राफी के लिए पहले इंजेक्शन देते हैं, एक तरह का डाई होता है जो कि अपने आप में भी थोड़ा सा रिस्की होता है डाई को इंजेक्ट करना बॉडी में, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो है डाई इंजेक्ट नहीं किया जाता है, मशीन अपने आप को सारी नसों का फ्लू को दिखाती है, उसका अपना जो टेक्नोलॉजी है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डायबिटिक पेशेंट्स में यूज किया और उसमें ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मार्कर हैं जिसको हम लोग बायो मार्कर बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्कर हैं जिसको देख कर हम ये अनुमान लगा सकें कि हमारा किस लेवल पर डैमेज हो चुका है सेल, या पर्दे के जो रोशनी बनाने वाले जो सेल होते हैं, कण होते हैं, कितना वायबल है, कितना लाइव है, कितना डेड है। और जब वो पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से अपना जो इलाज है उसको और अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि किस स्टेज पे है और हमें अब कौन सा इलाज इसमें करना चाहिए। तो इससे हम काफ़ी हद तक जो है मरीज की रोशनी को और ख़राब होने से रोक सकते हैं। और कभी कभी जब पेशेंट अगर पहले से ही अगर जागरूक होता है, पर्दा चेक कराता रहता है और हमारे पास जल्दी आ जाता है, तो उसकी रोशनी हम थोड़ा सा जो चली गई है उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो एंड स्टेज में लोग आते हैं, नहीं पता चलता है, लापरवाही हो जाती है किसी भी स्तर पे, मरीज भी लापरवाह हो जाता है, बेपरवाह थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम लोग को ये कोशिश होती है कि जो रोशनी आज की डेट में है वो हमारी बची रहे और ना ख़राब होने पाए। तो ये बायोमार्कर्स जो है बहुत ही मतलब हम लोग के लिए और मरीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवा दिए जो है हम स्कैन कर लेते हैं और 3-4 उसमें बायोमार्कर होते हैं जिसके आधार पे आगे का इलाज हम लोग करते हैं।